हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में टाइपिंग करते जब लैग हो रहा है या फिर टाइपिंग डिले हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है कीबोर्ड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको ऑल सेटिंग्स को क्लोज करना है। फिर आपको विंडोज 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर ईज ऑफ एक्सेस सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टर्न ऑन स्टिकी कीज, तो यहाँ पर ये बॉक्स में आप अनचेक कीजिए। फिर आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड का ऑप्शन है, आप डबल क्लिक कर एक्सटेंड कीजिए, यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो हो जाएगा। कीबोर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको उसको क्लोज कर देना है। फिर से आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आपको लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। आपको यहाँ पर कीबोर्ड शो हो जाएगा, सेलेक्ट कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप जो है इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पीसी रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको जो है पीसी को रीस्टार्ट कर देना है। फिर अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको विंडोज 11 की सेटिंग में जाना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर कीबोर्ड का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्टिकी की है, यहाँ पर आप इसको टर्न ऑफ कीजिए और यहाँ पर फिल्टर की है, आप इसको भी टर्न ऑफ कीजिए। फिर आप सेटिंग को क्लोज कर पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।